32 साल पुराने मामले में जैसे ही पप्पू यादव को आज मधेपुरा कोर्ट में बेल मिला, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आज उसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव के नेतृत्व में पुअर होम में ब्लाइंड दिव्यांग बच्चों के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव, प्रोफेसर गंगा प्रसाद, जिला प्रवक्ता शुभम सिंह, युवा नगर अध्यक्ष रोशन झा, उमेश सरवन, कार्यकारी जिला अध्यक्ष के साथ सद्दाम हुसैन, अन्य कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के उपस्थित थे। लोकतंत्र के मंदिर न्यायालय में आज न्याय की जीत हुई है। हमारे नेता को पिछले 5 महीने से एक फर्जी मुकदमा में और मामूली सा बेलटूटी में जेल में बंद करके रखा हुआ था। जैसा कि आपको जानकारी में होगा कि इस हिंदुस्तान में ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। यह देश का शासन, यह हिटलरशाही शासन है, जहां एक तरफ राजकुंद्रा जैसे पॉर्न बनाने वाले को विद इन ए मिनट बेल मिल जाती है, वहीं एक जनसेवक जो कोरोना में, बाढ़ में, सुखाड़ में, चिमकी बुखार में, हर प्राकृतिक आपदा में जनता के बीच रहते थे, जनता की सेवा करते थे, वैसे जन सेवक और कोरोना मसीहा को इस सरकार ने एक साजिश के तहत, जब वो कोरोना में सेवा कर रहे थे, इस सरकार की किरकिरी होने लगी थी उनके सेवा को देख करके, तो उनको आनंद फानन में जेल में बंद कर दिया गया। बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से जी। ये जो सरकार का जो नीति रहा है, आज न्यायालय ने बता दिया कि आपने बेवजह पप्पू यादव को झूठी मुकदमा में फंसा करके आपने जेल में रखा उनको। और आज देखिए, आज बेल उनको नहीं मिला है, आज वो केस से बरी हुए हैं, यानी केस में कुछ नहीं था, बेवजह सरकार जो है उसको रोक कर रखे हुआ था। इसलिए कि सरकार की जो नाकामी है, हर जगह सरकार फेल्योर है, उसको पप्पू यादव जी उजागर कर रहे थे, इसलिए उसको जबरदस्ती, ये मानवता के साथ अन्याय है, ये घोर अन्याय सरकार ने किया है, आज उसकी जीत हुई। 30 वर्ष पुराने फर्जी मुकदमे में जो बिहार सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए, जब हमारे आदरणीय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कोरोना हो, बाढ़ हो और चमकी बुखार हो, हर मुसीबत काल में लोगों के साथ खड़े रहते थे, हर संभव मदद और सहायता का काम करते थे, और इसी दरमियान जब देखे कि एम्बुलेंस जहां 2 किलोमीटर चलने के लिए एम्बुलेंस 10,000 रुपया भाड़ा लेता है, तो जब लोगों को एम्बुलेंस किसी न किसी तरह, जो एम्बुलेंस उपलब्ध जिसके पास नहीं होता था, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते थे, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते थे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।